BJP leader Kailash Vijayawargiya's extremely sexist and misogynistic comments have sparked a fresh controversy. The leader made the derogatory remarks at a religious function organized in Indore on the occasion of Hanuman and Mahavir Jayanti on Thursday. Listen carefully what the BJP leader said about women at an event. मैं रात में जब निकलता हूँ और पढ़े लिखे नौजवानों को बच्चों को जब झूमते हुए देखता हूँ तो सच में ऐसी इच्छा होती है कि उतर के और इनमें 5-7 ऐसे लोग नशा उतर जाए। सच में क्या भगवान की कसम खा के इनका हनुमान जयंती को झूठ नहीं बोल रही। और लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं, उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्णरेखा लगती है। The opposition leaders were quick to call out the BJP नेता over his sexist comments. बेटियों का अपमान यानी कि देवों का अपमान, देवियों का अपमान है देश में। ये अपमान जो है वो बेटियां हो, महिलाएं हो देश के, वो बिल्कुल सहन नहीं करेंगे इस अपमान को। साथ ही साथ मैं स्मृति ईरानी जी से भी पूछना चाहती हूँ कि वो ऐसे बयानों पे वो चुप क्यों बैठी हैं। इन लोगों की मानसिकता महिला विरोधी है, ORSS तो महिला विरोधी है ही है। मोहन भागवत जी कहते हैं कि पति का बात अगर पत्नी ना माने तो तलाक दे सकता है, वो तो ये कहते हैं कि एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए, मेरे को लड़कियों और महिलाओं के बारे में जो दिव्य ज्ञान कैलाश जी के पास है, मेरे लिए तो हर महिला, हर लड़की, मुझे तो वो सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता पार्वती का रूप दिखती है। उनको पता नहीं कौन सा शरीर क्या है, उनका क्या मानसिकता है, मुझे नहीं पता। बीजेपी लीडर फेस प्रोटेस्ट ड्यू टू हिज सेक्सिस्ट रिमार्क्स। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, लेकिन ऐसा लगता है कि भाजपा में शूर्पनखा से विशेष प्रेम है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये हिमाकत करी थी कि हमारी एक महिला सांसद को शूर्पनखा बुलाया था, आज वही काम कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं। ML खट्टर तो ये तक कह चुके हैं कि लड़कियां जीन्स पहनती हैं इसलिए उनका रेप हो जाता है। Will any action be taken against Kailash Vijayawargiya for his remarks? Bureau report, Republic TV.